एमपी सर। एमपी है, पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल, पिताजी का क्या नाम है? एमपी सर। नहीं पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? एमपी सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? एमपी सर। उसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? एमपी सर। एमपी मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली, दिल्ली में कहाँ रहते हो? एमपी सर। एमपी का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? एमपी सर। क्या एमपी का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। एमपी सर। अब क्या एमपी? माय परफॉर्मेंस सर। नमस्कार सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रमिला, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? टेलीकॉम कंपनियों पर बढ़ा टैक्स मचा बवाल है, और बताइए क्या हाल है? हाल सही है सर, आप बताइए आप क्या सहायता चाहते हैं? गर्मी में खूब गर्मी पड़ी, गया मौसम बरसात का। अरे अभी अभी शुरू हुई ठंड और बुरा हुआ हाल पैर और हाथ का। ओके सर, पर हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? सुबह सुबह छाई रहती है कोहरा, पड़ती ओस है, लगती है जबरदस्त ठंड। ये बताइए कि ये कोई बीमारी है या मौसम का दोष है? सर मौसम बदल रहा है तो ठंड तो लगेगी ना। आप ये बताइए कि आपको अपने नंबर संबंधित क्या जानकारी चाहिए? कटे पेड़ कम हुई हरियाली, लोग भैंस बेचकर बकरियां पालेंगे, और लग रही है ठंड तो नंबर की जानकारी लेकर क्या अचार डालेंगे? तो सर आप क्या चाहते हैं? आप मेरा और अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप प्लीज कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बर्बाद समय नहीं, बर्बाद ठंड से हो रहे हैं हम। ज्यादा ज्ञान मत फैलाइए और ठंड के मौसम में ठंड ना लगे ऐसा कोई उपाय बताइए। सर हमारे पास यहाँ पे सर दर्द, खुजली, मलेरिया, फलेरिया, बवासीर, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों की जानकारी नहीं मिलेगी, और ना ही आपको यहाँ पे कोई ऐसा रिचार्ज मिलेगा जो आपको ठंड से बचा सकता है। आपके ग्राहक परेशानी में है तो क्या ऐसे टालना सही है? आपके बाबा 10 रुपए प्रति मिनट भविष्य बताते हैं और आपको इतना भी जानकारी नहीं है? सर आपकी उम्र कितनी है? अभी मैं स्टूडेंट हूँ, जंग है फी का। अभी मैं स्टूडेंट हूँ, जंग है फी का। लोग कहते हम बुढ़े हैं और उम्र है 35 का। शादी हुई है सर आपकी अभी तक? कई रात को बारात किया, हर बैंड बाजे पे डांस किया, चले जाता हूँ आज भी वहाँ जहाँ खाने का प्रबंध है। शादी तो अभी तक नहीं हुई, लेकिन शादी और सर्दी में क्या संबंध है? संबंध है सर, इसलिए तो पूछ रही हूँ। आप ये बताइए कि आपकी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? रिश्ते तो कई आए पर पड़ोसी ने काट दिए, खुद से कोशिश किया तो पप्पा ने डांट दिए, पंडित जी ने बताया तेरे कुंडली में दोष हुआ, और जो शादी करने के राजी हुआ वो मेरे बात करने के तरीके से बेहोश हुआ। तो अब भी आप अपनी आदत सुधार लीजिए, वरना। वरना क्या, ज्यादा ज्ञान मत फैलाइए। शादी और सर्दी में क्या रिलेशन है ये बताइए। सर सर्दियों में शादी करने का ये फायदा है कि आपको कंबल, रजाई, कपड़े सब कुछ मिल जाएंगे जो आपको ठंड से बचा सकते हैं। वाह वाह, क्या आपने उपाय बताया। आप भी भरपेट खाइएगा, क्योंकि शादी में हम आपको कार्ड भेजेंगे और आप जरूर आइएगा। ओके सर हम जरूर आएंगे, लेकिन अभी आप ये कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिए। मंदिर में लोगों ने भगवान से आशीर्वाद से ज्यादा तो सेल्फी लिया, और आपने बहुत काम की जानकारी दी, इसके लिए शुक्रिया। ऐसे भी नमूने होते हैं क्या दुनिया में? एक औरत को मुंबई में नौकरी मिल गई, वो अकेले ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए एक फ्लैट भी दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता ना हो। उसने पति के लिए मोबाइल में SMS लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वो SMS मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वो अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। SMS पढ़ते ही वो आदमी बेहोश हो गया।
गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, SMS में लिखा था मैं सही सलामत पहुंच गई हूँ और वहां रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है, आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस एक दो दिन में आपको भी बुला लूंगी, आपकी पत्नी। बैठो, सीट बेल्ट डालो। पागल, ये होती है सीट बेल्ट, ये होती है सीट बेल्ट। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए योगासन, पहले आराम से पलंग पर सीधे लेटें, सिर के नीचे नरम तकिया लगाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, हाथों को ऊपर करते हुए रजाई खींचकर ओढ़ लें, आंखें बंद करें, लंबी सांस लें और धीरे से बोलें, भाड़ में जाए कहीं है बे टुकुर टुकुर। अच्छा एक बात पता है क्या, ठीक बैचल आप अपना बाप के सामने ऐसा ही कहबे नू। जानकारी के लिए बता दूं, ये सिर्फ दिखने में बड़ा है, असली खर्चा तो इसमें से होता है। दुकान वाले भैया हाँ, डेटॉल साबुन है? हाँ है। अच्छा वाला? हाँ भाई। अच्छी क्वालिटी का? हाँ भाई हाँ। ठीक है, उससे हाथ धो लीजिए, 1 किलो आटा लाइए।